आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। अच्छा सुनो, हाँ कहीं घूमने चले क्या? किधर? अरे ऐसे ही चलते हैं ना कुछ खाने। अरे पागल हो गई है क्या, यही बना ले कुछ। पता है ठंड कितनी हो रही है? क्या सारे टाइम फोन में घुसे रहते हो तुम? अरे ये देखो, नासा को ना 5 करोड़ किलोमीटर दूर से एलियन का सिग्नल मिला है। तो क्या तरक्की दिख रही है? इंसानों को नई धरती मिल सकती है रहने के लिए। ये धरती क्या कम पड़ रही है जो कुछ भी फालतू को देखते रहते हो तुम? फालतू नहीं है, नॉलेज की बात है ये। सुनो ना। क्या? वो जो पिछली गली में जिनके पास BMW नहीं है, वो जो लड़का है ना, मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ या बाहर जाती हूँ तो मुझे देख के ना स्माइल पास करता है। हाँ? नहीं मतलब घूरता नहीं है, बस स्माइल पास करता है नॉर्मल सा। क्या नॉर्मल सा, कब की बात है ये? जब भी कभी नजर पड़ जाती है तो। पहले तो नहीं बताया तुमने मुझे? नॉर्मल स्माइल पास करता है, इसमें बताना क्या था? अरे करता है क्यों है, क्या मतलब है तुमसे? क्या पता कुछ अच्छा लगा होगा उसे मुझ में। तो क्या करती है फिर? कोई सामने से स्माइल पास करेगा तो गोली तो मार नहीं दूंगी, इसलिए मैं भी स्माइल पास कर देती हूँ। दिमाग ठीक है तेरा? तुझे क्या मतलब है उसे स्माइल पास करने का? अरे गहरे नहीं है वो, अच्छे घर से, इग्नोर थोड़ी कर दूंगी। हाँ तो तुम ऐसे किसी को भी स्माइल पास कर दोगी ना? कब से चल रहा है ये? अरे 10-12 दिन पहले ही आया है, बाहर रहता है शायद कहीं। हाँ तुझे तो बड़ा पता है कहाँ रहता है कहाँ नहीं। तो घर रहती हूँ मैं, पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है आसपास। बात बात भी हुई होगी तुम्हारी उससे? अभी बात बात नहीं हुई, स्माइल पास करता है बस। क्या पता बात करना चाह रहा हो। क्या पता बात बात करना चाह रहा हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई जरूरत है तुम्हें उस गली में जाने की? ये साले पैसे वाले होते ही आरामी है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, तुम्हें पता है ये लोग ना AS रोड पे कोठी बना रहे हैं, 5-6 करोड़ तो मैंने सुना है जमीन का रेट, पता नहीं कितने में खरीदा होगा उसने। तुझे क्या मतलब कितने में भी खरीदी हो? मुझे क्या मतलब होगी, मैं तो बस बता रही हूँ कि पैसा तगड़ा है। दूर के ढोल ना सुहाने ही लगते हैं सबके, इतना कोई जरूरी नहीं है ध्यान देने का। हमारे पास होंगे पैसे तो हम भी बना लेंगे, और आज के बाद दिखे ना वो तुम्हें तो मुझे बता देना, मार के हड्डी ना तोड़ दो साले का। ये पैसे वाले लोग ना ऐसे ही बहकाते हैं लोगों को, अब धीरे धीरे ये साले तुमसे बात करने लगेगा, लेकिन तुम इग्नोर कर देना, ऐसे ही 2-4 दिन इग्नोर करोगी तो वो खुद दिखना छोड़ देगा। बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी? बीवी नहीं होगा तुम मेरी, वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो मार के हड्डी ना तोड़ दूं उसका, बल्कि घर से निकाल के मारूंगा। घर से निकाल के मार सकते हो, पर साथ बैठी हो दिखती नहीं हो तुम्हें, जो सारा दिन फोन में घुसे रहते हो। हाँ तो फोन की बात अलग है फिर। कोई अलग बात नहीं है, बड़ा गुस्सा आ गया मुझे किसी ने देख लिया तो, जब मैंने तुम्हें कहीं जाने बोल दिया तो बड़ा ठंड लग गया तुम्हें, कलेश करने में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? मजाक कर रही थी मैं, कोई BMW वाला लड़का नहीं है, वो चेयरमैन की गाड़ी है। और मैं पागल हूँ क्या, कोई सामने से मुझे स्माइल पास करेगा तो मैं भी उसे स्माइल पास कर दूंगी, बस देख रही थी मैं तुम्हें। हाँ तो क्या है फिर? क्या है फिर क्या, मुझे घुमाने लेके चलो, वरना माँ कसम अपनी और मुझे देख के किसी ने स्माइल पास किया ना तो मैं भी वापस स्माइल पास कर दूंगी आपकी बार। अच्छा हाँ, लेके चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? धक्के से लेके जाएगी क्या तुम मुझे? मैं तो प्यार से बोली थी जाने, पर तुम्हें इंटरेस्ट है एलियन में अपनी बीबी से ज्यादा, चले जाना दूसरे ग्रह पे, वहीं रहना। चाचा की तैयार हो जा। तुम जाके ना हो पहले, जाओ। मीनू वो 3,000 रुपए देना, मेरा ATM काम नहीं कर रहा। 3,000 रुपए क्यों चाहिए? काम है। तुम उससे उधार पैसे मांग रहे हो? हाँ उधारी मांग रहा हूँ। ठीक है दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे लौटाओगे कब? हाँ हाँ लौटा दूंगा, जब मेरा ATM काम करेगा तो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा और मेरा अलग अलग है क्या? क्यों नहीं है अलग, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वाह बेटा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है और जो मेरा है वो भी तुम्हारा है, सही है? कब रिटर्न करोगे मेरे पैसे, पहले ये बताओ तभी दूंगी मैं पैसे। लौटा दूंगा कल परसों। कल या परसों पहले बताओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हाँ हाँ ले लेना, परसों दे दूंगा। चलो।
इसमें तो 500 रुपए कम है। 500 रुपए कम है? कहीं तुमने छिपा तो नहीं दिया? ये क्या है? मैं चलता हूं। लाओ मेरे पैसे दो। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा भूल गए, परसों तुमने मुझसे 3000 लिए थे और बोला था परसों दे दूंगा। अच्छा वो बाद में ले लेना ना यार। ऐसे कैसे बाद में ले लूंगी, लाओ मेरे पैसे दो। अरे ये तो कम है, और 500 रुपए कहाँ है? बाद में दे दूंगा। ऐसे कैसे, लाओ अपना पर्स दो। अच्छा तो यहाँ छुपा के रखे हैं, ये लो अपना पर्स पकड़ो। वो मेरे 3000 रुपए दो। अभी दिए तो थे तुम्हारे 3000 रुपए। कब दिए 3000 रुपए? अच्छा वो तो घर के खर्चों में खर्च हो गए। तुम्हें पता है घर का राशन लाना, बिजली का बिल देना और वो काम वाली, उसको दे दिए। अब लाओ मेरे 3000 रुपए। ये क्या बात हुई यार, मैंने तो दे दिए थे ना। अब तुम कहीं भी खर्च करो, वो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं नहीं दे रहा कोई पैसे वैसे। ऐसे कैसे नहीं देने मेरे पैसे, हटो। अरे ये क्या कर रही हो? मिल गए मेरे पूरे 3000 रुपए। अरे काम के लिए रखे थे वो पैसे। अच्छा तुमने मुझसे 1 महीने पहले जो 3000 रुपए उधार लिए थे, लाओ मेरे पैसे वापस करो। अच्छा और वो जो मैंने 4 बार पैसे वापस किए उसका क्या? 4 बार कब दिए, सिर्फ 2 बार दिए हैं और वो पैसे भी घर पे लग चुके हैं। मेरे पैसे वापस तो नहीं मिले, लाओ मेरे पैसे दो। मैं नहीं दे रहा कोई पैसे वैसे। अरे ऐसे कैसे नहीं दे रहे, मुझे सूट खरीदना है, मैंने वो पैसे सूट खरीदने के लिए रखे थे, मुझे नहीं पता, लाओ मेरे पैसे वापस करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पैसे कितने बार वापस करूं जो मेरा उधार खत्म हो जाएगा? 6 बार। अबे इतना तगड़ा ब्याज तो ब्याज वाला भी नहीं लेता जितना तुम ले रही हो। मैं नहीं दे रहा कोई पैसे। अच्छा पर्स कहाँ है तुम्हारा? लगता है ड्रॉ में रखा होगा, अभी सारे पैसा निकालती हूँ। अबे वो पैसे काम के हैं? भाई भीख मांग लेना पर बीबी से उधार कभी मत मांगना। 4 बार दे चुका हूँ और 6 बार मांग रही है। अबे रुक जा, वो पैसे काम।